लोगों को खरीद लिया जाता है, जो छोटे स्तर पे होते हैं उनको खरीद लिया जाता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को खरीदने की औकात तो किसी की भी नहीं है ना। इस बार देखो गुजरात अच्छी तरीके से जवाब देगा। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, मैं सच में अगर आपको बोलूं ना तो सत्ता के हिसाब से नहीं, वो इंसान मुखालिस काम कर रहा है। तो जो सबके लिए सोचता है ना उसको आना चाहिए। इसमें कोई भी, बहुत सारी लोग इनके बारे में अपने मगज में पहले से ही बना के बैठे हैं। लोगों को एक मौका मिला है, ये जवाब इन लोगों को इस बार के चुनाव में मिल जाए। देखो ओवैसी जी का ऐसा है कि अगर यहाँ पर आते हैं, इतने सारे लोग आके गए हैं, बीजेपी ने बहुत काम कर लिया, देश का उद्धार हो गया, कांग्रेस ने बहुत काम किया, देश का उद्धार हो गया, ओवैसी साहब को एक बार सच में मौका मिलना चाहिए यहाँ पर। जैसे ट्रंप आया था, इन्होंने दीवारें उठवा दी थी, तो इनके दीवारें उठवाने से वो गरीबी छुप गई थी। वो तो वैसी के वैसे ही था, मतलब गटर बह रही है, तुमने ढक्कन डाल दिया तो थोड़ी देर के लिए बंद है, लेकिन जब खोलोगे तो वैसे के वैसे ही सड़ रहा है ना। तो निकाल इनको है ना पूरे तरीके से करना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब ही होता है कि हर कौम के लोग यहाँ पर मिलकर रहते, तब ये हिंदुस्तान कहलाता है। किसी एक धर्म मजहब या प्रजाति के लोग नहीं है, सब ह्यूमंस है, तो सबके लिए सोचना चाहिए इनको। और ये चीज अगर मुझे इतनी सी उम्र में समझ में आता है तो इतने ऊपर सत्ता पर शायद बहुत बड़े काबिले तारीफ लोग बैठे होंगे, लेकिन उनसे काम नहीं होता ये उनको सोचना चाहिए। आपको गुजरात मॉडल भी पसंद नहीं, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल भी पसंद नहीं, तो क्या चाहते हैं कि गुजरात में किसको आना चाहिए, कौन यहाँ से चुनाव जीतना चाहिए, या कौन बेहतर कर सकता है इस गुजरात प्रदेश के लिए? मेरे हिसाब से तो जैसे अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, मैं सच में अगर आपको बोलूं ना तो सत्ता के हिसाब से नहीं, वो इंसान मुखालिस काम कर रहा है। तो जो सबके लिए सोचता है ना उसको आना चाहिए। इसमें कोई भी शामिल नहीं है कि मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी साहब हो या दूसरे लोग हो, जो हर इंसान के भले के लिए सोचता हो ना उसको आना चाहिए। तो ऐसा सरगना, ऐसा लीडर वो होना चाहिए। तो कहां से आएगा वो लीडर? जिसने तकलीफ देखी है, जो बड़ा होगा उसके अंदर, जिसने ग्राउंड लेवल से काम किया होगा वो सोचेगा, तो वो जीत के आना। तो मेरे हिसाब से तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आना चाहिए। जब इतने सारे लोगों को पब्लिक ने मौका दिया और सब लोगों ने आगे खाली जुल्म किया है, चाहे आप वो सारी चीजें उठा के देख लो कितने मुसलमानों के साथ क्या होता है। वो हैदराबाद में तो सरकार वगैरह बना नहीं पाए, साथ ही विधायक जीतते हैं, तो यहाँ पर आकर 40-30 खड़े करके क्या बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, इसमें बीजेपी को कहां से फायदा होगा? एक चीज समझिए कि अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो इंसान को कोशिश करने से कामयाबी मिलती है ना। हर कोई उत्पन्न होकर, देखो बीजेपी जब तक कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने बहुत काम किया ऐसा बोलते हैं, खाली दवा खाने चलो एम्स बनाया, लेकिन इसके सिवा का क्या काम था उन्होंने विकास किया? तो अगर वो सत्ता में थी और तब बीजेपी ने काम करके लगातार, बीजेपी भी कोशिश कर रही थी आने के लिए, कई सालों के बाद बीजेपी सत्ता में है और जिस तरीके से काम किया है ना, वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। और जितना विकास अभी ये लॉकडाउन के दरमियान लोगों ने देखा है ना, कि लोग मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, परेशान थे, लाठी चार्ज मुसलमानों के ऊपर हुआ है। एक तो मुसलमान सबसे ज्यादा दबा कुचला वर्ग है, इसमें भी आप जो है मुसलमान और हिंदू तलाशने लगे। लॉकडाउन सबके लिए था ना, लॉकडाउन सबके लिए था, लेकिन लाठी चार्ज तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हो रहा था। गोमतीपुर के अंदर लाठी चार्ज हुआ, अगले दिन किसी को बंदोबस्त करने का तो दो कि 3 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हो, कि 4 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हो, तो इंसान जाके कहीं से रोजी रोटी का, अनाज पानी का कहीं से तो बंदोबस्त करे। 8-8 दिन लोगों ने भूखे रह के निकाला है। अब बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता तो वो मजदूरी पे निकला, तो उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और ऑक्सीजन की कमी हुई है, ये भी आप लोगों ने देखा है, लोगों ने मुंह देख देख के बाटले प्रोवाइड किए हैं ऑक्सीजन के, तब भी आपने देखा है। विकास की राजनीति इसको बोलते हैं, ये विकास है। लोग जो मरे हैं ना उनकी लाशों का भी इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है, जो दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी बताया नहीं गया। आप फिर ओवैसी को बेहतर क्यों मानते हैं? क्यों, देखो ओवैसी जी का ऐसा है कि अगर यहाँ पर आते हैं, इतने सारे लोग आके गए हैं, बीजेपी ने बहुत काम कर लिया, देश का उद्धार हो गया, कांग्रेस ने बहुत काम किया, देश का उद्धार हो गया, ओवैसी साहब को एक बार सच में मौका मिलना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है ना, अगर बदलना है तो मुसलमान अगर ओवैसी साहब को वोट करते हैं ना, तो सच में जो दबे कुचले लोग हैं मुसलमान हैं उनकी भी यहाँ पर हालत जरूर दुरुस्त हो सकती है। मैं 100 के तकरीबन कैंडिडेट खड़े करे, वहां भी मुसलमान की आवाज लगाई,
दलितों का जो है कहा कि दलितों के साथ ना इंसाफी हो रही है, वहां पर कोई भी सीट नहीं जीत पाए, अब यहाँ पर आके क्या करें? बदलाव, देखो बदलाव के लिए तो एक पहल किसी को भी करनी चाहिए, है ना, मैं हूँ, आप हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो बदलाव के लिए कोई तो कोशिश कर रहा है, दलितों के लिए कोई तो कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के लिए कोई तो कोशिश कर रहा है, अभी तक आपने देखा है कि कभी किसी ने पहल की है, किसी दलित के लिए कोई खड़ा हुआ है, और जो खड़े होते हैं वो ले जाके वापस से बैठ जाते हैं, उनको बिठा दिया जाता है। जिग्नेश विवानी दलितों के लिए खड़े तो हो रहे हैं गुजरात में, तो गुजरात में दलितों का कितना भला हुआ है ये बता सकते हैं आप? उनके खड़े होने के बाद लोगों को खरीद लिया जाता है, जो छोटे स्तर पे होते हैं उनको खरीद लिया जाता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को खरीदने की औकात तो किसी की भी नहीं है ना, नहीं वो नहीं बिक सकते, ये मेरा भरोसा है, वो नहीं बिकेंगे किसी के लिए भी, क्योंकि वो देख रहे हैं यहाँ पे हालत का जायजा लेके गए। कांग्रेस वाले और समाजवादी वाले बोलते हैं कि इनकी जो है हेलीकॉप्टर है उसमें जो है फ्यूल जलता है वो बीजेपी की तरफ से आता है, ये मेरे को नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन एक चीज समझो, ये इस चीज के बारे में छोटी सी बात बताओ, अरविंद केजरीवाल का अगर फोटो डाल के इस्लामिक तरीके से वो डाल सकते हैं तो फिर क्या ही, ये जरूरी नहीं है कि उन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बदनाम करने के लिए ये चीज बोली हो। जब कोई इंसान किसी के अच्छे और भले काम के लिए निकलता है ना, तो इस तरीके की बदनामी फैलाने वाले लोग होते हैं, ये पॉलिटिक्स है, यही रणनीति ये लोग चलते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि कोई किसी दबे कुचले वर्ग के लिए बोले, माइनॉरिटीज के लिए कोई बोले, दलितों के लिए कोई बोले, ये कोई चाहता ही नहीं, और जो इंसान चाह रहा है तो उसको बदनामी फैला रहे हैं ये लोग, और इनको लगता है कि इस बार ये बदनामी फैलाएंगे तो ये लोग समझेंगे, लोग इनको ऑलरेडी समझ चुके हैं लॉकडाउन के दरमियान से, और बहुत सारी लोग इनके बारे में अपने मगज में पहले से ही बना के बैठे हैं, लोगों को एक मौका मिला है, ये जवाब इन लोगों को इस बार के चुनाव में मिल जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में उस जगह पे कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं जहाँ मुसलमान अक्सरियत में, मुसलमान जो है पहले से विधायक है वो जीत सकते हैं, तो उनका जो है हराने के लिए आ रहे हैं। कैसे मतलब? जहाँ जहाँ खड़ा करते हैं वो मुस्लिम सीटों पे खड़ा करते हैं, पहले ही वहां पर मुस्लिम लीडरशिप है, तो एक तो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, दूसरे मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की कोशिश भी तो कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, देखो मुस्लिम लीडरशिप जो जहाँ पर जिस इलाके के अंदर है, आप नारोल के अंदर देखिए, नारोल से दाणी लिमड़ा बहरामपुरा वार्ड से उन्होंने कौशिका परमार को प्रमोट करने की उन्होंने कहा है, तो विधायक के तौर पे, तो ये तो हम नहीं बोल सकते कि विधायक के लिए अगर उन्होंने उनको रजामंदी दी है कि हाँ ये विधायक के तौर पर। यूपी जैसा हाल तो नहीं होगा, यूपी में जिस तरीके से बुरा हाल हुआ, एक भी सीट नहीं मिली। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में उस जगह पे कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं जहाँ मुसलमान अक्सरियत में, मुसलमान जो है पहले से विधायक है वो जीत सकते हैं, तो उनका जो है हराने के लिए आ रहे हैं। कैसे मतलब? जहाँ जहाँ खड़ा करते हैं वो मुस्लिम सीटों पे खड़ा करते हैं, पहले ही वहां पर मुस्लिम लीडरशिप है, तो एक तो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, दूसरे मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की कोशिश भी तो कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, देखो मुस्लिम लीडरशिप जो जहाँ पर जिस इलाके के अंदर है, आप नारोल के अंदर देखिए, नारोल से दाणी लिमड़ा बहरामपुरा वार्ड से उन्होंने कौशिका परमार को प्रमोट करने की उन्होंने कहा है, तो विधायक के तौर पे, तो ये तो हम नहीं बोल सकते कि विधायक के लिए अगर उन्होंने उनको रजामंदी दी है कि हाँ ये विधायक के तौर पर। यूपी जैसा हाल तो नहीं होगा, यूपी में जिस तरीके से बुरा हाल हुआ, एक भी सीट नहीं मिली। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इस बार देखो गुजरात अच्छी तरीके से जवाब देगा, इस बार देखो गुजरात अच्छी तरीके से जवाब देगा।